अखबार के अंदर लगातार जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में बाजार के अंदर बेटियों को, बहनों को बेचा जा रहा है। ये इतनी भयावह स्थिति राजस्थान की हो गई है कि लड़कियों की खरीद फरोख्त हमारे राजस्थान के अंदर हो रही है, उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। अब इस तरह की बातें हमने सिर्फ आइसिस और तालिबान के अंदर सुनी थी, लेकिन अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। ये राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए, खास तौर से ऐसा राष्ट्र जो दिवाली मनाता हो, दशहरा मनाता हो, भाई दूज मनाता हो, रक्षाबंधन मनाता हो, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जब लोगों से बात करते हैं तो भाइयों और बहनों बोलते हैं, वहां पर बहनों को, बेटियों को गुलाम बनाया जा रहा है। और ये एक बार नहीं, ये लगातार पिछले 3 साल से इसकी खबरें अखबार के अंदर आ रही हैं। सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, मतलब किस तरह की बातें राजस्थान के अंदर हो रही हैं। भीलवाड़ा के अंदर लगातार 3 साल से खबरें आ रही हैं, दूसरे राज्यों के अंदर, विदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों को बेचा जा रहा है। और इसकी पूरी जानकारी प्रशासन के पास है, पुलिस के पास है, सरकार इससे पूरी तरह जागरूक है इस बात से, लेकिन फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि एक भी FIR नहीं लिखी गई।